नो डाउट काफी भीड़ है यहाँ गुवाहाटी का जो स्टेशन है। गाड़ी में बैठेंगे टिकट देंगे खाए चीज नगर ठीक है चलिए। व्यू व्यू हैव यू एनी प्रॉब्लम आई साल ओके इंग्लिश सुन रहे हो कोई नहीं। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ गुवाहाटी से शिलोंग की तरफ एंड मैंने जो है वो सुमो ली है। कूल 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 ऑल इन ऑल। और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पे। और जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अभी मैं जाने वाली हूँ मेघालय, लेकिन मेघालय जाने से पहले आपको ई पास बनवाना होता है। तो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि मेघालय जाने के लिए कैसे आप भी अपना ई पास बनवा सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज की, और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप मेघालय तक कैसे पहुँच सकते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या क्या है मेघालय पहुंचने के लिए। तो मेघालय पहुंचने के लिए ऑफ कोर्स बाय एयर, बाय ट्रेन और बाय बस आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो वैसे तो मेघालय की राजधानी शिलोंग में एयरपोर्ट है, लेकिन शिलोंग में बहुत ही कम ऐसे फ्लाइट्स हैं जो वहाँ रुकती हैं, वहाँ आती हैं। तो इसके लिए नियरेस्ट जो एयरपोर्ट होगा वो होगा गुवाहाटी एयरपोर्ट। और वहीं अगर रेलवे स्टेशन की भी बात की जाए तो मेघालय से जो सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन है वो अगेन गुवाहाटी। और वहीं अगर मैं बस की बात करूं तो बस के लिए आपको आना होगा पहले सिलीगुड़ी जंक्शन, और सिलीगुड़ी से शिलोंग के लिए डायरेक्ट बसेस चलती हैं, बट वो काफ़ी हेक्टिक होती है क्योंकि इट विल टेक यू अराउंड 12 आवर, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। तो इसलिए मैंने अपने लिए जो सबसे कन्वीनियंट मुझे लगता है हमेशा वो है ट्रेन या फिर बस। तो मैंने क्या करा है कि मैंने ट्रेन की बुकिंग करी है, तो कुछ इस तरीके से मेरी जर्नी होने वाली। तो एक बार फिर से मैं निकल चुकी हूँ अपने सोलो ट्रिप पे, और इस ट्रिप के लिए फिलहाल क्योंकि मैं अभी पूर्णिया में रहती हूँ तो पूर्णिया से मुझे जाना है किशनगंज, क्योंकि मेरी जो ट्रेन है गुवाहाटी तक की वो किशनगंज से है। तो अभी बज चुके हैं रात के 9, और 9 बजे मैंने ये बस ली है, और मान के चलिए कि पूर्णिया से किशनगंज जाने में मुझे 2 घंटे लगेंगे। तो अपनी 2 घंटे बस की जर्नी को कवर करते हुए मैं फिलहाल पहुंच चुकी हूं किशनगंज रेलवे स्टेशन। एक अच्छी बात बताऊं, मेरी जो ट्रेन है ना वो थोड़ी सी लेट हो गई है, तो इसका फायदा मुझे हुआ क्योंकि मेरी जो बस थी वो एग्जैक्ट 11:30 में यहाँ पे ड्रॉप की है मुझे रेलवे स्टेशन के सामने। तो अभी मैं जा रही हूँ बस ट्रेन पकड़ने, और ट्रेन आने में भी है थोड़ा टाइम, सुपर एक्साइटेड। लेट्स वेट फ्यू मोर मिनट्स, आई थिंक 15 मिनट में मेरी ट्रेन जो है वो आ जाएगी। चलिए तो यहाँ मैं ट्रेन के रिगार्डिंग एक टिप्स जरूर देना चाहूँगी आपको, और वो टिप्स ये रहेगी कि जैसे मैं अपने ट्रेन की जब बुकिंग करवा रही थी तो मुझे किशनगंज से डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिली थी। ट्रेन तो थी ही लेकिन सीट कन्फर्म नहीं मिल रहा था, तो मैंने क्या करा कि ये ट्रेन खुलती है हावड़ा से, तो मैंने जो टिकट लिया था वो फ्रॉम हावड़ा टू गुवाहाटी लिया था, तो इसलिए मेरी जो सीट है वो कंफर्म हो चुकी है, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं है। ऑलराइट, सो फाइनली मेरी ट्रेन आ चुकी है, ये मेरी ट्रेन है, आई एम गोइंग इनसाइड, और ठीक है मतलब भीड़ कम है जैसे कि आपको दिख रहा होगा। ट्रेन है वो पता नहीं बीच रास्ते कहीं रुकी हुई है, सो अभी यहाँ से ट्रेन खुलेगी एंड ऑलमोस्ट 1 घंटे हैं अभी हमें गुवाहाटी पहुँचने में, अभी पूरी तरीके से ट्रेन खाली हो चुकी है। वैसे अगर आप कभी भी गुवाहाटी आना चाहते हैं या फिर असम आना चाहते हैं तो कामाख्या मंदिर जरूर जाइए, एक बार दर्शन कीजिए वहाँ पे। मैं पिछली बार जब आई थी तो मैं कामाख्या मंदिर गई थी अपनी मम्मी के साथ, सो यू कैन चेक दैट ब्लॉग, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से जाके आप कामाख्या देवी के दर्शन कर सकते हैं मेरे ब्लॉग के थ्रू। गुवाहाटी, और गुवाहाटी के बाद मुझे गाड़ी लेनी है शिलोंग के लिए। चलिए पहले निकलते हैं स्टेशन से और देखते हैं। अगर
सुमो से जाना है तो उसका क्या प्राइस है? सुमो में जाएगा तो 350 लेगा। और टैक्सी से? टैक्सी में जाएगा तो 500 लेगा। लेकिन सुमो शायद पहले छोड़ता है ना? टैक्सी भी पहले छोड़ता है। टैक्सी में 4 आदमी जाएगा, सुमो में 10 आदमी जाएगा। नहीं नहीं वो नहीं, जैसे कि मतलब पुलिस बाजार छोड़ना होता है ना, तो टैक्सी छोड़ेगा। हाँ सुमो में जाने से आपको अंजलि सिविल पेट्रोल पंप छोड़ेगा, वहाँ से भी जाना पड़ेगा पुलिस बाजार। यहाँ से शिलोंग जाने के लिए देखती हूँ कितनी बार्गेनिंग करनी पड़ती है और क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, मैं जरूर बताना चाहूंगी। तो फिलहाल पहले तो निकलते हैं और बाहर, अभी रास्ते में ही एक ड्राइवर था शायद, आई डोंट नो, तो वो जैसा कि बता रहे थे कि यहाँ पे आप शेयरिंग वाली गाड़ी से भी आगे शिलोंग की तरफ जा सकते हैं या फिर आप चाहे तो प्राइवेट कैब वगैरह भी कर सकते हैं। लेट्स सी, देखते हैं कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सही लगेगा रहेगा। अगर आपको शिलोंग जाना है तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कुछ कि यहाँ पे जो सुमो जाती है उसमें 10 लोग होते हैं, लेकिन सुमो से जब आप जाएंगे तो आपकी जो कॉस्ट आएगी वो है 350, लेकिन अगर आप स्विफ्ट डिजायर से जाएंगे तो उसमें 4 ही लोग होते हैं और उसकी जो कॉस्टिंग होती है वो 500 पर पर्सन। तो अभी मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दे दूँगी जहाँ से मतलब जैसे ही आप स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो उस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। If you all don't mind it, आप फुल ले कीजिए। सो अभी गाड़ी नहीं है, इलेक्शन के लिए मेघालय, नागालैंड एंड मणिपुर, सो गाड़ी को मैं 300 फेयर है। अच्छा ठीक है, जय माता दी। यहाँ पर एक बात जरूर मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि जैसे ही आप गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो शिलोंग जाने के लिए आपको बहुत सारी गाड़ियाँ मिल जाएंगी, तो आप ट्राई कीजिएगा कि आप उन गाड़ियों की बुकिंग खुद से करें, मतलब किसी मीडियोकर के थ्रू ना करें, क्योंकि अगर आप किसी मीडियोकर के थ्रू करते हो तो वो एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं अपने लिए, मतलब जैसे अगर फेयर 350 है तो वो 450 लेते हैं और 100 उसमें उनका होता है और बाकी जो 350 होते हैं वो ड्राइवर को मिलता है, तो इसलिए आप खुद से ही गाड़ियों की बुकिंग करें। फिलहाल मैंने ये जो गाड़ी ली है ये शेयरिंग वाली गाड़ी है, तो शेयरिंग वाली गाड़ी में एक प्रॉब्लम यही होती है कि जब तक 10 पैसेंजर नहीं भरते हैं ये गाड़ी नहीं खुलती है। तो फिलहाल इस गाड़ी में जिसमें मैं बैठी हुई हूँ 10 पैसेंजर हो गए हैं और ये जो गाड़ी है वो खुल चुकी है गुवाहाटी से शिलोंग के लिए, और गुवाहाटी से शिलोंग जाने में लगभग आपको 3.5 to 4 hours, मतलब मान के चलिए कि 4 लगते हैं, बाकी डिपेंड ये भी करता है कि रास्ते में ट्रैफिक किस तरीके के मिल रहे हैं। जब भी कभी आप नॉर्थ ईस्ट घूमने आते हैं ना सिर्फ मेघालय में बल्कि और भी स्टेट्स के लिए ये रूल है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको ई परमिट की ज़रूरत होती है, मतलब यहाँ आधार कार्ड से काम नहीं चलता है, आपको ई परमिट बनवानी होती है। मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया कि एक जगह चेकिंग चल रही थी, तो इसलिए अपने पास पहले से ही ई परमिट बना रखे, और ज़्यादा अच्छा होगा कि उस ई परमिट का एक फ़ोटो कॉपी अपने पास रख ले, क्योंकि वो लोग ओरिजिनल कॉपी मांगते हैं तो दिक्कत कर सकते हैं। अब पुलिस तो अभी मेरी जो गाड़ी है ये अभी रुकी है रास्ते में और यहाँ पे बेसिकली वही ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके, ब्रेकफास्ट तो नहीं कहेंगे, अब लंच का टाइम हो गया तो लंच के लिए रुकी हुई है, और पीछे है ढाबा, तो रोड को क्रॉस करके उधर जाना है। अभी ढाबा पे अगर आप खाना खाना चाहते हो या फिर ब्रेकफास्ट करना चाहते हो तो आप जा सकते हो सामने ढाबे पर। गुवाहाटी से शिलोंग आने के लिए आपके पास मेनली दो ऑप्शन ही होते हैं जैसा कि मैंने देखा। तो पहला जो ऑप्शन होता है कि आप शेयरिंग वाली गाड़ी ले लें जिसे सुमो कहते हैं, तो सुमो में 10 लोग बैठते हैं और उसकी जो प्राइसिंग होती है दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 350। और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होगा कि आप प्राइवेट व्हीकल कर लें या फिर फोर व्हीलर एक गाड़ी होती है जिसमें प्राइवेट बुकिंग ही करनी होती है, उसके लिए आपको 2000 देने होते हैं। जो भी आप प्राइवेट गाड़ियों की बुकिंग करेंगे तो उसमें चाहे एक आदमी हो या फिर 4 आदमी हो आपको देने होंगे 2000। मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपने ये वाली गाड़ी ली तो इस गाड़ी का जो किराया होता है ये है 2000, और इसमें 4 आदमी आते हैं तो 4 आदमियों को 2000, मतलब एक आदमी को 500 देना होता है, और नहीं तो चाहे तो आप ये सुमो ले सकते हैं जिसके लिए आपको पर पर्सन 350 देने होते हैं।
एक और बात जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर कभी भी गुवाहाटी में आप सुबह में आते हैं तो गुवाहाटी से डायरेक्ट बसेस भी अवेलेबल है शिलोंग के लिए, लेकिन क्योंकि मुझे अभी 12 बज चुके थे, मतलब दोपहर में मैं गुवाहाटी में आई ही थी, तो इसलिए मेरे पास ऑप्शन यही बचता था कि मैं सुमो से आऊं या फिर ये प्राइवेट वाली गाड़ियां करके आऊं। गुवाहाटी से जो शिलोंग बस जाती है उसकी टाइमिंग मॉर्निंग में होती है अराउंड 10 और 10:30 तक लास्ट बस चलती है, उसके बाद बसेस चलती हैं लेकिन बहुत ही कम बसेस चलती हैं। टेम्परेचर की बात करूं तो अभी तक शिलोंग आधे रास्ते में मैं आ चुकी हूं, शिलोंग जाने के आधे रास्ते में अभी तक तो बहुत गर्मी सी मुझे फील हो रही है, मतलब है गर्मी काफ़ी है, मतलब मुझे ऐसा लगा था कि थोड़ी सी ठंड रहेगी लेकिन अभी तक तो ठंड नहीं है, आगे देखते हैं। वैसे अपने साथ कुछ वार्म ड्रेसेस और स्पेशली रेनकोट लेना तो ना भूलें क्योंकि आप जा रहे हो मेघालय, मतलब बादलों के घर में, तो अपने साथ रेनकोट रखना तो बनता है। सामने हमारी गाड़ी उधर लगी हुई है और मैं अभी क्रॉस करके इधर आई हूँ एंड दिस इज़ द रेस्टोरेंट, क्या है, आर्यन शर्मा होटल, ओके सो होटल है ये। तो इस ढाबे से डिनर करने के बाद फिलहाल मैं वापस आ चुकी हूँ अपनी गाड़ी में और हमारी गाड़ी है वो आगे अपने शिलोंग जो डेस्टिनेशन है हमारा वहाँ के लिए प्रस्थान कर चुकी है। और पहाड़ों में मौसम बदलते देर नहीं लगता, तो जैसे ही हम थोड़ी दूर आगे बढ़े थे, मतलब जैसे जैसे शिलोंग के नज़दीक जा रहे थे वैसे वैसे मौसम जो है वो थोड़ा सा धुंध छा रखा था, तो ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी। और फिलहाल जो टैक्सी आपको दिख रही है यही टैक्सी आपको पूरे आपकी जो मेघालय की यात्रा होने वाली है यही टैक्सी आपका साथ देगी, क्योंकि मेघालय में कहीं भी अगर आपको ट्रैवल करना है तो आपको टैक्सी ही हायर करनी होती है। चलिए तो अपनी 4 आवर की जो जर्नी थी उसको कंप्लीट करके मैं ऑफिशियली एंटर कर चुकी हूँ शिलोंग में। और यहाँ पे एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जैसे अगर आप शेयरिंग वाली गाड़ी से जाते हो ना, तो वो पुलिस बाजार जो कि शिलोंग का मेन मार्केट है और शिलोंग का जो मेन चौक कह सकते हैं वो है, तो वहाँ तक नहीं जाती है, लेकिन अगर आप गाड़ी वाले से रिक्वेस्ट करते हैं तो वो गाड़ी फिर आपको पुलिस बाजार तक ड्रॉप कर देगी। तो फिलहाल जिस गाड़ी में हम लोग थे इसमें ऑलमोस्ट जितने भी पैसेंजर थे सबको पुलिस बाजार ही उतरना था, तो ये गाड़ी जो है अभी हमें पुलिस बाजार में पहुंचा चुकी है। ये जो सामने आप मार्केट एरिया देख रहे हैं यही है शिलोंग का हॉटस्पॉट और पुलिस बाजार के नाम से ये फेमस है, शिलोंग ट्रैफिक पुलिस सामने देख रहे हैं आप। और इसका एक जो सिंबल है वो जरूर मैं आपको दिखाना चाहूंगी, आई लव शिलोंग करके यहाँ पे एक बनाया हुआ है। शिलोंग और ये है शिलोंग का पार्किंग एरिया और हमारी जो गाड़ी है वो भी पीछे रुकी है। तो बात आती है होटल की, तो देखते हैं कहाँ से होटल पसंद आता है, कौन सा पसंद आता है। चलिए मार्केट एक्सप्लोर करते हैं रूम ढूंढने के लिए। चारों तरफ मार्केट में आपको रूम ही रूम तो दिखेंगे, मतलब काफ़ी सारे होटल हैं, होटल हरिओम और समथिंग। चलो पूछते हैं जरा इसमें होटल हरिओम। तो जिस होटल में अभी मैं आई हूँ देखने, इसका डबल बेड का जो प्राइस है रूम का वो है 800 एंड सिंगल बेड वाले रूम का प्राइस है 600। तो चलिए पहले देखते हैं कैसा है रूम। एक बात मेरे साथ ये अच्छी हुई कि जैसे ही मैंने रूम ढूंढना स्टार्ट करा उसी के साथ मुझे जो पहला होटल मिला वही मुझे पसंद आ गया और फिलहाल इसी होटल में रुक रही हूँ। और यहाँ चेक इन करने के लिए आपको अपना आधार कार्ड जमा करना होता है, लेकिन आप अपने साथ आधार कार्ड ओरिजिनल लेके आइएगा क्योंकि फ़ोन में अगर आपके पास आधार कार्ड का पिक्चर है तो उससे काम नहीं चलेगा क्योंकि उनको प्रिंट आउट चाहिए होता है। तो इसलिए ट्राई कीजिए कि आप अपने साथ अपना ओरिजिनल कोई आईडी कार्ड लेके आइए। चलिए फिलहाल मैंने रूम ले लिया है और मैं हूँ रूम में और बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ, मतलब बहुत थक गई सीरियसली। तो अभी मैंने सोचा है कि 1 घंटे का ब्रेक लूँगी, उसके बाद आज शाम में निकलेंगे और शिलोंग का जो फेमस मार्केट है जिसे पुलिस बाजार के नाम से जाना जाता है तो वहाँ एक्सप्लोर करूँगी आज शाम में मोस्ट प्रोबेबली। जहाँ तक मैं होटल की बात करूँ तो मेघालय में तो बहुत सारे होटल्स हैं लेकिन उनकी जो प्राइसिंग है वो काफ़ी हाई है, तो अगर आप एक बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं तो अभी फिलहाल जिस होटल में मैं रुकी हुई हूँ मुझे सही लगा, मतलब प्राइस भी बहुत ही नॉमिनल है। आप चाहें तो आप भी यहाँ आए तो स्टे कर सकते हैं, आप यहाँ के स्टे कर सकते हैं एंड नंबर
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, ताकि आप एक काम और कर सकते हैं कि मैंने तो मतलब यहाँ आके एट रैंडम मैंने देखा रूम और मुझे पसंद आ गया तो मैंने ले लिया रूम, लेकिन आप चाहें तो अपनी बुकिंग पहले से करवा सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं फिलहाल यहीं पे एंड करती हूँ, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए मेरे YouTube चैनल पे, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज डू हिट द बेल बटन, सब्सक्राइब मेरे चैनल, ताकि जो भी वीडियोस मेरे चैनल पे आए उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जस्ट स्टे ट्यून्ड विद मी और माई चैनल फॉर मेघालय सीरीज। मैं मेघालय की बहुत सारी जगहों को अपकमिंग डेज में एक्सप्लोर करने वाली हूँ, तो मैं हर एक प्लेसेस की अलग अलग वीडियोज बनाऊंगी और डेफिनेटली मैं पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगी जितना मुझसे हो सकेगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।